भारतीय जनता पार्टी तो इस बार 400 पार का उन्होंने दावा कर दिया कि इस बार 400 पार, और राजस्थान के अंदर भी उन्होंने ताल ठोक दी कि 25 की 25 हमारी। तो उनमें अपने पार्टी के नॉमिनी के अलावा दूसरे पार्टी के आदमी को तोड़ कर लाकर टिकट देने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट किस बात का, गवर्नेंस किसकी थी, यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड? जी नमस्ते, मेरे साथ मौजूद हैं भीलवाड़ा से लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस के डॉक्टर सीपी जोशी। सीपी साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सीपी साहब स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पे। धन्यवाद सीपी साहब। इस बार आप भीलवाड़ा के लोकसभा प्रत्याशी है, काफी बड़े बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने के लिए डिनाई करा है, तो इस बार आपने बिल्कुल हिम्मत दिखाई है, तो क्या आला कमान ने फोन करके ये बात कही थी आपको कि इस बार आपको चुनाव लड़ना है, या आप आगे होके आपने इनिशिएटिव लिया है? स्टार्ट से राइट फ्रॉम बिगनिंग आई एम ऑफ द ओपिनियन, मेरी फर्म कन्विक्शन था कि क्राइसिस में कांग्रेस के सब सीनियर लीडर को लगना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने हमें वोट दिया, आज हमें पहचान दी, हमने अलग अलग पद पर काम किया, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस समय हम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पार्टी के लिए काम करें। और मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने मेरे इस विचार को माना और मुझे टिकट दी। जो आपके सामने जो भी प्रत्याशी है दामोदर अग्रवाल, आप उनको कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? नहीं, हर चुनाव चुनौती होता है। भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार के रूप में जीतने का काम करती है, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैं भी अपने विजय के लिए कोशिश करूँ। देश के अंदर मोदी की गारंटी चल रही है, हर तरफ मोदी लहर चल रही है, उसके अंदर आप अपने आप को कहाँ फिट महसूस कर रहे हैं कि क्या आप इस मोदी लहर से पार पा जाएंगे भीलवाड़ा के अंदर? देश ने संसदीय लोकतंत्र अपनाया। संसदीय लोकतंत्र का मतलब है कि राजनीतिक पार्टी विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़े और अपना प्रतिनिधि खड़ा करे। कोई आदमी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में बात कर रहा है, मोदी जी के उम्मीदवार में बात कर रहा है। ये देश में संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र में मैं कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ, और कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में मेरे जैसे इस देश में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग सब प्रतिनिधि लड़ रहे हैं, और संसदीय लोकतंत्र की ताकत यही है। इसीलिए देश एक और अखंड है कि हम अलग अलग भाषा बोलने वाले आदमी सांसद जीत के आते हैं, और उनमें जो जिस पार्टी का बहुमत बनता है वो प्रधानमंत्री बनता है। इसलिए इस संसदीय लोकतंत्र में पार्टी का उम्मीदवार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बनिस्बत किसी के नॉमिनी के। इसलिए संसदीय लोकतंत्र में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके संदर्भ में चुनाव को एनालिसिस किया जाना चाहिए। सर, आप राजस्थान में कितनी सीटें प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 25 में से कितनी कांग्रेस को इस बार मिल जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो इस बार 400 पार का उन्होंने दावा कर दिया कि इस बार 400 पार, और राजस्थान के अंदर भी उन्होंने ताल ठोक दी कि 25 की 25 हमारी, तो इस बार आप? मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, और मैं एक बात कह सकता हूं कि यदि कोई पार्टी 400 पार्टी क्लेम कर रही है तो उनमें अपने पार्टी के नॉमिनी के अलावा दूसरे पार्टी के आदमी को तोड़ कर लाकर टिकट देने की आवश्यकता नहीं है। ये इंडिकेट करता है कि जो उनके पास खाली एक वातावरण बनाकर इलेक्शन जीतने के लिए अपने वर्कर को मोरल अप करना चाहते हैं। बाकी यदि उनकी पार्टी इतनी सशक्त होती और 400 जीतने वाले होते तो आज लगभग 30 से 40 वो अलग अलग पार्टी के लोगों को तोड़कर टिकट दे रहे हैं। काहे को शिवसेना टूटती, काहे को अजित पवार की पार्टी टूटती, काहे को कांग्रेस के अलग अलग आदमियों को आप टिकट देते, ये इंडिकेट करता है कि इंटरनली उनकी पोजिशन वीक है, वो एक साइकोलॉजिकल वातावरण बनाकर चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ थोड़ा राजस्थान से आगे चलते हैं हम, जैसे महाराष्ट्र या बिहार की बात करते हैं, इंडिया गठबंधन की बात करते हैं कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन सामने आया था कि हम एकजुट हैं जो 28 पार्टी है लगभग, लेकिन उसके बाद हमें काफी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले, चाहे महाविकास अघाड़ी हो चाहे आप बिहार के अंदर हो, तो ऐसा क्या सामंजस्य आखिर क्यों नहीं बैठ पा रहा है? देश की सबसे पुरानी पार्टी, आखिर ऐसा क्या हो गया कि सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे, आपस में नेता को वो कन्वे नहीं कर पा रहे? ये आपका परसेप्शन है, सामंजस्य नहीं बैठ पाया। इस देश में जैसे जैसे चुनाव होंगे 90% चुनाव डायरेक्ट चुनाव होंगे, 1-to-1 चुनाव होगा। पार्टी चाहे इंडिया गठबंधन के कोई भी उम्मीदवार हो, जो विनेबल कैंडिडेट होगा वो अपने आप अब एनडीए कैंडिडेट को चैलेंज करेगा और आपके सामने चीज़ सामने आएगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ है कि आज जब केजरीवाल जी के अरेस्ट के बाद दिल्ली में मीटिंग हुई तो कौन सी पार्टी इंडिया का गठबंधन का नॉमिनी नहीं था? क्या वहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी नहीं थी? क्या अखिलेश जी वहाँ पर नहीं थे? क्या तेजस्वी वहाँ पर नहीं थे? क्या उद्धव ठाकरे जी वहाँ पर नहीं थे? कौन सा इंडिया गठबंधन का नॉमिनी दिल्ली की इस मीटिंग में नहीं था? लेकिन सीटों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि हम एक फ्रेंडली मुकाबला करेंगे कि आपस में इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार एक दूसरे के सामने खड़े करते हैं। ये परसेप्शन का पार्ट है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, वोट आते समय मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि 1-to-1 फाइट होगी 90% सीट्स। सीपी जी, एक राजनीति से थोड़ा हल्का फुल्का क्वेश्चन, काफी आप भी बिजी हो जाते हैं सुबह शाम से लेकर कार्यकर्ताओं से मिलना करना, हालांकि स्ट्रेस तो होता है लगातार घूमते, कभी कभी परेशानी भी होती होगी, उसके इतर आप मतलब थोड़ा सा शांत लेने के लिए, थोड़ा कूल रहने के लिए आप क्या करते हैं? योगा या कोई गाना या मूवी देखना, तो थोड़ा सा कूल कैसे रहते हैं आप? मेरे को हॉबी है जी
अखबार को पढ़ना। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये भारत के युवा? भारत के युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ, इस देश में विविधता, इस देश में अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोगों को एक रखकर देश की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस के लोगों ने आज़ादी के समय कल्पना थी, और हमने इसीलिए संसदीय लोकतंत्र को अपनाया कि अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्म को बोलने वाले लोग भी अपना प्रतिनिधि पार्टी के रूप में भेजे, और उनके नॉमिनी में जिसका बहुमत बने वो प्रधानमंत्री बने, देश चलाए। इसलिए हम संविधान और संविधान के अंतर्गत हमने कल्पना की थी, कार्यपालिका होगी, न्यायपालिका होगी और विधायिका होगी। विधायिका में सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है पार्टी का नॉमिनी, व्यक्ति का नॉमिनी नहीं होता है। तो संसदीय लोकतंत्र से देश को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। 1947 का कांग्रेस के नेतृत्व में देश, 2014 का मोदी जी के नेतृत्व के पहले जो केस देश है वो एक दिन में नहीं बना, बम एक दिन में नहीं बना, अटलांटिका में एक दिन नहीं गए, चंद्रमा पर एक दिन पर नहीं गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया एक दिन में नहीं किया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 साल एक दिन में नहीं हुई, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हरित क्रांति की तब आज एग्रीकल्चर में हम इंडिपेंडेंट हुए। तो ये सब काम संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली में जनप्रतिनिधि जो पार्टी के हैं उनको चुनकर पार्टी के बहुमत के आधार पर कांग्रेस के नेतृत्व करने वाले लोग प्रधानमंत्री बनकर इस देश को आगे बढ़ाने। भीलवाड़ा जो आज से 10-15 साल पहले जो पानी से महरूम था, टैंकर आया करते थे, तो आप मतलब आपने भी बताया कि चंबल योजना को आपने ही साकार किया है। तो बहुत सी बार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कहते हैं कि इसके अंदर हमारा भी योगदान रहा है, तो इसमें काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है, जनता क्लियर नहीं कर पा रही कि चंबल प्रोजेक्ट भीलवाड़ा के अंदर लाया कौन है। कॉन्फ्लिक्ट किस बात का? गवर्नेंस किसकी थी? यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकेंड गवर्नमेंट कांग्रेस की थी जी। सांसद बन के गए, सीपी जोशी कांग्रेस बन के गए, स्कीम किसने कंसीव की? आपको याद दिलाना चाहता हूँ मैं, जब ये स्कीम बनी तब कोटा के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया, ये हिस्ट्री आप चेक कर लें उनको, वो कैसे क्लेम करेंगे उनका 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 आइडिया उनका। सीपी जी, एक आखिरी सवाल था कि आप जनता को क्या गारंटी देना चाहते हैं? मैं अपनी क्रेडिबिलिटी के कारण जनप्रतिनिधि के रूप में जाना चाहता हूँ, नादर में जाके पता लगा लें इतने बार MLA रहा या मैं सांसद के रूप में अपना काम किया, मैंने क्रेडिबिलिटी। मैं भीलवाड़ा के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, जिस तरह से मैंने यहाँ की जो स्ट्रेस की प्रॉब्लम थी पानी की, उसकी समस्या का निदान करने का काम किया, आज मुझे प्रसन्नता है कि पीने के पानी की समस्या का निदान हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड सेक्टर में आप साम देख ले, पूरा रोड सेक्टर को मैंने बदला है, और हमारे मन में कल्पना है कि नौजवान पीढ़ी के लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इसलिए हमने उसने स्टील का कारखाना लगाने के लिए कोशिश की, हमने कोच फैक्ट्री लगाने का काम किया, हम यहाँ पर नए नए तरीके के इंस्टीट्यूट खुले जिससे यहाँ का बच्चा पढ़ लिख कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोर्सेज को करे, जमाना बदल रहा है, अपने आप को एम्प्लॉयबिलिटी के लिए तैयार करें। और मैं ही था जिसने यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट का सेंटर डेवलपमेंट किया जिससे लोग एम्प्लॉयबिलिटी का काम कर सके। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी समस्या इस इलाके में पहली जनरेशन के जो बच्चे पढ़ लिख कर आगे आ रहे हैं, उन बच्चों को एम्प्लॉयमेंट के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा पैदा किए जाने का काम सरकार के रूप में किया जाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ भीलवाड़ा लोकसभा कांग्रेस के प्रत्याशी सीपी जोशी। सीपी साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।